गया। आप लोग नहीं, महिला लखनऊ की जो कि महापुरुषों की सरजमी है, यहाँ पर जो अनुशासकों का सत्याग्रह आंदोलन है, उसमें मैं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी का स्वागत करता हूँ और हर जिले से आए हुए सभी अनुदेशक साथियों का, मात्र शक्ति का मैं स्वागत करता हूँ, जो तो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने अपने जिलों से, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई अपने साधनों से जहाँ लखनऊ आई है, उनका सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और खास तौर पर जिला झांसी से जो महिलाएं आई है, क्योंकि हम लोग झांसी के हैं, जहाँ पर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, वीरांगना लक्ष्मी बाई, वीरांगना झलकारी बाई, और वीरों की भूमि कही जाती है झांसी। और झांसी की आवाज को बुलंद करने के लिए झांसी से जो महिलाएं आई है, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और सभी जिलों की महिलाओं का भी मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस सत्याग्रह आंदोलन में मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल जाते हैं तो जो कला का जो शिक्षक है वो कला पढ़ाता है, सारे शिक्षा का जो शिक्षक है वो सारे शिक्षा पढ़ाता है, कृषि वाला, होम साइंस वाला अपने अपने मजे पढ़ाता है। उसके बाद स्कूल का प्रधानाचार्य उनसे कह जाता है कि वो गणित भी पढ़ा दे, विज्ञान भी पढ़ा दे, अंग्रेजी भी पढ़ा दे, हिंदी इतिहास भी पढ़ा दे। ये सब की इच्छा रखता है कि नहीं रखता है? ये सब इच्छा रखता है। उसके बाद भी वो क्या चाहता है कि गरीबा हजार ही मिलते रहे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमें भी 14 सीएल मिले, हमें भी खुशूसियत पास मिले, हमें भी सीसीएल मिले, और हमें भी जो काम कर रहे हैं उस काम का उतना ही वेतन मिले जो एक सहायक अध्यापक को मिल रहा है, जो एक प्रधानाचार्य को मिल रहा है। ये हम लोग 10 साल से जब स्कूल खुलता है 9 बजे तो हम लोग पहुँचते हैं 8:30 बजे। हम प्रेयर कराते हैं, पीटी भी कराते हैं, और बच्चों को आज जब देश में कोई क्रिकेटर खेलता है, देश का नाम रोशन करता है, तो हम इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं? और खिलाड़ियों की नींव रखने वाला अगर कोई है तो वो अनुदेशक है। इस देश में कला और साहित्य की कोई नींव रखने वाला है तो वो अनुदेशक है। और अनुदेशक का जो मान्य है वो 2000 है। ये अनुदेशक का दुर्भाग्य नहीं है, इस देश का दुर्भाग्य है, प्रदेश का दुर्भाग्य है। ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो इस देश की नींव रख रहा है, जो शिक्षक है, वो शिक्षक 2000 में कैसे अपना जीवन यापन करेगा, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? लेकिन वो तो ये दर्द जब समझेंगे, जब उन्हें उसका ज्ञान होगा, जिस देश के प्रधानमंत्री और जिस देश के मुख्यमंत्री का जब कोई शादी ब्याह नहीं हुआ तो उन्हें कैसे पता होगा कि बच्चों का दुर्दर्द क्या होता है, उन्हें कैसे पता होगा कि स्कूल की फीस कितनी लगती है, उन्हें कैसे पता होगा कि यूनिफॉर्म खरीदने में भी पैसा लगता है, और टैक्सी से जब बच्चे जाते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है। जब हम लोग टैक्सी करते हैं तो वो साल भर के पैसे लेते हैं, जो गर्मियों की छुट्टी होती है और सर्दियों की छुट्टी होती है उसके भी पैसे लेते हैं। जब हम घर में टैक्स लगवाते हैं तो हम टीवी देखे ना देखे पैसा पूरा लगता है। तो इसी तरह जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो एक तरफ आप क्या करते हैं, सहायक अध्यापक को पूरा वेतन देते हैं, एक तरफ आप अनुदेशक का पैसा काटते हैं, 15 दिन का पैसा हमारा सर्दियों में काटते हैं और 15 दिन का पैसा गर्मियों में काटते हैं। ये हम लोगों के स्कूल के जो बच्चे जाते हैं उनकी फीस पूरी लगती है, टैक्सी का पूरा लगता है, तो आप पैसे क्यों काटते हैं? बताइए उस पैसे के लिए हम कहाँ नौकरी करने चले जाएं? अगर आपके कार्यालय में कोई जगह हो तो 15 दिन गर्मियों में और 15 दिन सर्दियों में हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर आ जाए, वहाँ पे आप हमें काम पर लगा दीजिए, क्योंकि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। टैक्सी वाला टैक्सी के पैसे पूरे मांगता है। उसी तरह मैं कहता हूँ साथियों, हम उनसे मांगने बैठे हैं, उनके लिए तो एक ही बात है, तुम्हें दर्द दिया तुम्हें दवा देना, तो जिसने हमें दर्द दिया वो हमें दवा देने वाला नहीं है साथियों। इसलिए अगर वो हमारी मांगे मानते हैं, अभी हमारी मांग है कि हमें नियमित करें, अगर वो हमें नियमित नहीं करते हैं तो हम अपना हक छीनने का काम करेंगे। हमें धरने जो सत्याग्रह आंदोलन है,
अभी हम गांधी जी की राह पर चल रहे हैं, हम चंद्रशेखर और भगत सिंह की भी राह पर चलेंगे, क्योंकि हमें ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम जब तक जीतेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरे गिरा नहीं सकती। जिसे अगर जीतेगी तो परिस्थितियां हमें हरा नहीं सकती। मैं बात कर बताऊँ, जय हिंद।